स्वागत है स्पेशल स्लगनेट प्रेजेंटेशन के स्लग बॉल चैंपियनशिप में, जो लेकर आ रहा है हमारे नए स्पॉन्सर ब्लैक इंडस्ट्रीज। ब्लैक इंडस्ट्रीज जो ख्याल रखे आपकी सुरक्षा का कल, आज और हमेशा के लिए। मैं हूँ बॉब जॉनसन और हमेशा की तरह मेरे साथ है ब्लास्ट वेंडर ह्यूज। ब्लास्ट बॉब, पिछला हफ्ता स्लग बॉल के लिए काफी अच्छा रहा है, आज होने वाला है सेमीफाइनल और हम सिर्फ एक गेम दूर है स्लग बॉल कप से। यस, हम आपको बताना चाहेंगे कि बीस्ट फॉर्ज शॉक और रोलर्स ने अभी एक और गोल किया है डेड बीट माइनर्स के खिलाफ, जो उनसे एक गोल पीछे है। टीम के कैप्टन ग्रेंडल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो काफी शातिर खिलाड़ी हैं। देखिए किस तरह से वो अपनी टीम के लिए गोल कर रहे हैं। ग्रेंडल का जवाब नहीं। टाइम आउट हो चुका है और लगता है जैसे ग्रेंडल मिलने जा रहे हैं अपने फैंस से। आहा, तुम आखिर आ गए। वो तो आना ही था, आखिर हम ये मैच कैसे मिस कर सकते थे। स्कॉट तो अपने ग्लव भी साथ लाया है ताकि वो ऑडियंस में आती बॉल को पकड़ सके। क्या बात कर रहे हो, तुम भी खेलते हो? हाँ, कभी कभी खेलता था, पर जब छोटा बच्चा था। स्कॉट, इसमें छिपाने की क्या बात है, मैंने इसे खेलते हुए देखा है, ये एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह खेलता है। थैंक्स। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ है स्लग बॉल के कमिश्नर प्रीमो प्रेस्टो। ये मेरी खुशकिस्मती है। रोलर्स के बारे में क्या ख्याल है? बीस फोर्ज के हादसे में उन्होंने अपनी पूरी गुफा खो दी, उसके बावजूद भी इस खेल में हिस्सा लेने पहुंच गए सिर्फ अपने लोगों के लिए। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? हाँ हाँ, मानना पड़ेगा। और अब वो फाइनल्स के इतने करीब हैं, जहां उनका मुकाबला होगा पिछले साल के चैंपियंस लेड सिटी ब्रूट्स के साथ, जिसे अभी अभी डॉक्टर ब्लैक ने खरीदा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस अफवाह के बारे में जो कहती है कि बेस्ट फॉर्ज को डॉक्टर ब्लैक ने ही नष्ट किया है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, खासकर जब उसमें डॉक्टर ब्लैक का नाम आता हो। खेल शुरू हो रहा है दोस्तों, टिकट के लिए शुक्रिया। खेल शुरू हो रहा है, फर्स्ट हाफ में रोलर्स 3-1 से आगे। आप देख सकते हैं कि दोनों टीम के कैप्टन पर कितना प्रेशर है। खेल शुरू हुआ, रोलर्स को बॉल मिली, नंबर 32 ने नंबर 15 को बॉल पास किया। माइनर्स लक का सहारा ले रहे हैं। नंबर 15 एक से बच गया लेकिन दूसरे से नहीं बच पाया। बॉल नंबर 63 के पास बिछाया जा चुका है। नंबर 63 होशियारी से आगे बच निकले, माइनर्स हड़बड़ा गए। क्रॉस क्रॉलर ने नंबर 63 को हिट कर दिया, क्या कमाल का शॉट था, है ना बॉब? ये क्या, जरा वो देखो, रोलर्स के कैप्टन ने अच्छा दिमाग लड़ाया है। अगर रोलर्स इसी तरह खेलते रहे तो उन्हें ये कप जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हुई ना बात। ग्रैंडल बॉल लेकर गोल की तरफ जा रहा है, वो जाल से बच निकला है लेकिन उसे पता नहीं जाल कहाँ बिछाया है। उसे रोकने के लिए दो माइनर्स आ रहे हैं। ग्रैंडल गोल के काफी करीब। देख रहे हो बॉब, आगे कैसे जाल बिछाया गया है। ग्रैंडल, नहीं इलाई, ये खेल का हिस्सा है। टेंशन में भी टीम के कैप्टन ग्रैंडल ने जल्दी से आर्सनेट स्लग को उपयोग किया और वो सुरक्षित है। कैप्टन को जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या ये सब भी खेल का हिस्सा है? असल में नहीं। दूर रहो, हाथ मत लगाओ। कोई हाथ नहीं लगा रहा। अच्छा है, कोई हाथ मत लगाना। एक प्रोफेशनल एथलीट होने के बावजूद भी इतना रो रहा है। सही कहा जी, बड़े प्लेयर्स भी छोटी चोटा लगने पे रोते हैं। हमने सर्किट बोर्ड चेक किया जिसमें खराबी थी, वायर्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी ताकि वो गेम के दौरान ही टूटे। क्या कह रहे हो तुम, किसी ने जानबूझकर तोड़ा? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, ये जरूर ब्लैक की टीम का काम होगा, वो हमेशा चीटिंग करता है। एक मिनट, मैं ब्रूट्स को जानता हूँ, वो थोड़े से सख्त जरूर है पर वो स्लग बॉल प्लेयर्स भी है, चीटर्स नहीं। वो सब लोग शांत हो जाइए, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, शैगिश, चीटिंग। ग्रैंडल, देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ पर तुम्हारे ये दोस्त किसी पर इल्जाम लगाए ही जा रहे हैं। तुम्हारे पास अगर ठोस सबूत है तो आगे बात करेंगे। ठीक है प्रीमो, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो हम ले आएंगे। पर ये फाइनल्स है, अब गेम का क्या?
मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम्हारे टीम को 4 प्लेयर्स की जरूरत है। अब अगर ये खेल नहीं पाएगा, इसका मतलब 3 ही बचे, तो तुम्हारी टीम गेम से बाहर। पर एक्स्ट्रा प्लेयर्स कहाँ गए? हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं है, हम सिर्फ इतने ही हैं जो सेमीफाइनल्स तक पहुँच पाए। अब और प्लेयर्स कहाँ से लाएं? ठीक है, अब अगले साल ट्राई करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल स्लग बॉल रूल बुक में लिखा है एक नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर भी टीम में खेल सकता है, बस उसे टीम के कैप्टन की परमिशन चाहिए होगी। इसका मतलब ये है ग्रेंडल, अगर तुम्हारी परमिशन मिल जाए तो काम बन जाए। क्या मैं वो देख सकता हूँ? क्या बात है, फिर तो हम अब भी गेम जीत सकते हैं। अब हमें एक प्लेयर की जरूरत है जो स्लग बॉल जानता हो और वहाँ जाकर हमें जिता सके। क्या मुझे बताया गया है कि रोलर्स टीम में एक सब्स्टिट्यूट लाया गया है। इसका मतलब है कि गेम में रोलर्स अब भी है, वो बाहर नहीं निकल सकते। अरीना के दोनों साइड में एक एक गोल है। हर एक प्लेयर को अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने होंगे। प्लेयर्स कोई भी स्लग इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे प्लेयर को रोकने के लिए या उन्हें गोल करने से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो प्लेयर्स को एक और आखिरी ऑब्स्टेकल से होकर गुजरना होगा, जाल का महाजाल, जिसे प्रोग्राम किया है हमारे बेहतरीन टेक्नीशियंस ने जो गेम कंट्रोल रूम में है। हे डैन, तुम्हें पता है मस्टर्ड के दाग को कैसे निकाले? मैं तो सैंड पेपर का इस्तेमाल करता हूँ। वेलकम बैक, सेकंड राउंड शुरू हो चुका है और रोलर्स अब भी 3-1 से आगे हैं। पता नहीं ये लीड कितनी देर तक बना कर रख पाएंगे। देखो जरा उस नौसी की। और खेल शुरू। दिन में तारे दिख गए। माइनर नंबर 57 ने रोलर के डिफेंस को चकमा दिया और ये गोल। माइनर्स का स्कोर अब आगे बढ़ रहा है। रोलर्स के नौसिखिए कॉर्ड जेन के पास बॉल है, लेकिन वो बॉल को धातु के दस्ताने में लेकर जा रहा है। बॉब, इसे स्लग बॉल के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। उसने पिस्टन जाल को पार किया है पर माइनर नहीं बच पाया। ओ, फ्राई से मरते मरते बच गया, ब्लेड से बच गया और वो बाहर आ गया। बाहर तो आ गए बॉब, लेकिन बच नहीं पाए। तुम ठीक तो हो कॉर्ड, ये करना जरूरी नहीं है। मजाक कर रहे हो? स्लग बॉल चैंपियनशिप में बुरी तरह मार खाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। नंबर 64 ने नंबर 98 को बॉल पास किया और एक और गोल। अब स्कोर टाई हो चुका है, अब आएगा मजा। माइनर्स के पास फिर से बॉल है, 57 के पास गोल करने का चांस। रोकूंगा। और ये क्या, वो देखो, रोलर का 28 नंबर प्लेयर कहीं से सामने आ गया और उसे गोल को आश्चर्यजनक। मैंने बॉल को पकड़ लिया। इस प्लेयर को देखकर लगता नहीं था कि इसमें वाकई दम है। खेलो से किए बॉल पास करो। ओह समझ गया। नंबर 28 का बेहतरीन मूव, उसने बॉल पास किया। रोलर्स अब गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्टिवेट हो चुका है जाल और रोलर्स जाल के माया जाल में फंस चुके हैं। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। क्वाड्रेंट 3 में बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। लगता है जैसे सारे जाल अपने आप खुल रहे हैं। ये सही नहीं है, मैनुअल ओवरराइड हुआ होगा। काम करो। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ बॉब, ये जरूर कुछ कमाल दिखाएगा। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। खुश होना बंद करो और मेरे साथ रहो, पास रहो और स्लोप पर ध्यान दो। शुरू। अब आ गया असली मजा। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। नंबर 28 को जोर का झटका धीरे से लगा, पता नहीं वो उठ पाएगा या नहीं। टाइम आउट हो चुका है। नंबर 28 कॉर्ड जेन बुरी तरह से घायल है, अब उसके उठने के चांसेस बहुत कम है। हम उसके दर्द का अंदाजा लगा सको। कॉर्ड, कॉर्ड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इलाय, क्या ये तुम? हाँ, हो? मैं हूँ, क्या तुम ठीक हो कॉर्ड? क्या हम हार गए? नहीं, अब चलो फिर से खेल शुरू करते हैं। बाल बाल बच गया। उस जाल ने कॉर्ड पर जानबूझकर हमला किया। मुझे पता है ब्लैक और ब्रूट्स ये सब कर रहे हैं, हमें सबूत लाना ही होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच कहूं तो ये सब संदेहजनक है। मेरा मतलब ब्लैक हाल ही में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है।
वक्फा को उड़ाना, उन्हें अपने कब्जे में करना, वो बहुत जुर्म कर रहा है और अब वो स्पोर्ट्स गेम में चीटिंग कर रहा है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर ये उसके लेवल का नहीं लगता, समझ रहे हो ना इलाई? क्या बात है, देखो कौन आया है। एक चूहा, तुम्हें दूसरे की चीजों पर नजर रखने की आदत है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो शायद मुझे कहना पड़ेगा। तुझे मैं नहीं छोड़। शांत हो जाओ और मेरे दोस्त से दूर रहो। ब्लास्टर दिखाकर हमें डरा रही हो, और पता है क्या, तुम्हारा दोस्त ही यहाँ जासूसी करने पहले आया था। हाँ, मैं ऐसा नहीं करता अगर ब्लेड सिटी ब्रूट्स चीटिंग नहीं कर रहे होते तो। अपनी जबान को लगाम दो, समझ गए? सुनिए मिस्टर थ्रैशर, सही कहा ना, शायद कोई गलत फहमी हो गई है और इसलिए मैं अब यहाँ से मेरे दोस्त को लेकर जा रही हूँ, ठीक है? तुमने सही कहा, वहाँ हमारे वक्त की बर्बादी हुई। नहीं, तुम्हें कैसे पता? शेन्स सीधे लड़ाई करने में लग जाते हैं। जब तुम थंपर से लड़ रहे थे तब मुझे उसके लॉकर में से ये मिला। ये क्या है? माइनर्स ने एक और गोल किया, वो 5-3 से आगे है। समझ गया जी, 2 गोला से पीछे है। आखिरी राउंड बचा है तो इस टीम को प्रॉन्टो के हौसला दिलाने वाली स्पीच की जरूरत है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम ये गेम आराम से जीत सकते हो जी। मेरा फॉर्मूला काम करता है। ये सोल्डरिंग करता है। तुमने इससे जानबूझकर सर्किट बोर्ड को खराब कर दिया। इससे कुछ साबित नहीं होता। ये है और मुझे भी बुरा लग रहा है, पर स्लग बॉल एक खतरनाक गेम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तो कहूंगा कि तुम वापस जाकर गेम को एंजॉय करो, समझे? गोल! तीसरे राउंड में रोलर्स ने स्कोर बराबर कर दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्कोर बराबर हुआ, अब कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं। अब आएगा असली मजा, जो भी अगला गोल करेगा वो ब्रूट्स के साथ फाइनल मैच खेलेगा। माइनर्स गोल की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 17 की तरफ बढ़िया पास, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। रोलर्स पीछे से आगे बढ़ते हुए, पर उन्हें जल्दी करनी होगी। बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं ये। नौसी के कॉर्डजेन ने आर्शनेट स्लग ब्लास्ट किया। वैसे मूव इतना बुरा नहीं था, लेकिन कॉमन डिफेंसिव मूव था ये। पर ये क्या, थैंक यू, क्या बात है, कॉर्ड को मिल चुकी है बॉल। बहुत बढ़िया, पर नंबर 57 ने डिफेंसिव शॉट किया और ये किसी डाउट के शॉक और रोलर्स फाइनल में पहुंच चुके हैं। बॉब, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज हमें इतना धमाकेदार मैच देखने को मिलेगा, ये तो कमाल हो गया, हमने कर दिखाया। कोड, कोई भी खेलने की हालत में नहीं है। इसका मतलब ब्रूट्स ही चैंपियनशिप जीतेंगे। इलाई, ये तो गलत बात है, कोड को खेलने के लिए बोलना अलग बात थी, पर ये तो पागलपन है। तो आखिर तुम क्या चाहती हो, ब्लैक की टीम बस चीटिंग करे और कब जीते? तुमने प्रीमो को बताया ना कि उन्होंने कैसे चीटिंग की, शायद वो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम ले। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि प्रीमो कुछ करेगा? अगर शॉक एंड रोलर नहीं खेलते तो ब्रूट्स वो कब जीत जाएंगे, ये सुनने में खतरनाक लग रहा होगा, पर ये मत भूलो ये आखिर स्लग शूटिंग का गेम है जो हम हर रोज करते हैं। ये हमारे लिए आसान है, बस चकमा देना, मंडराना 40,000 चिल्लाती हुई पब्लिक के सामने। बापरे, अच्छी बात कर लेते हो, काफी प्रेरणा मिली। मैं कुछ बोलूंगा, ये टीम कब जरूर जीतेंगी जी, क्योंकि हम लोग इनसे अच्छा खेलते ना। अरे ऐसे हार नक्कू मानू। और स्लग बॉल चैंपियनशिप में आपका फिर से स्वागत है। एक अजीब खबर मिली है कि इलाई शेन और उसकी गैंग फाइनल्स में खेलेगी डॉक्टर ब्लैक की टीम से, ब्लेड सिटी ब्रूट्स के साथ। ब्लास्ट एक पुराना प्लेयर और स्नग बॉल फैन होने के नाते ये तुम्हें खुश कर देगा। वैसे तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ बॉब, नई टीम को हारते देखकर मुझे बहुत मजा आता है। हाँ। कुछ कहना है बच्चे? नहीं, क्योंकि मैं चीटर्स के साथ बात नहीं करता। मैंने चीटिंग नहीं की, पर पता है क्या, चाहे तुम जो भी मानो, इससे दर्द कम होगा जब वो कप हम जीत जाएंगे। एल ब्लॉक आरपीएम ज्यादा तेज है, हमें उन्हें थोड़ा सा। दोनों बाहर निकलो अभी। सर,
फाइनल मैच शुरू हो रहा है, सब मैदान में आ चुके हैं। और उनके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? काम। अब जल्दी जाओ, जल्दी करो, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से। और ये खेल शुरू। रूट्स कैप्टन के पास बॉल है और लॉय शेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इससे पहले ऐसा जाल कभी नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? हमें संभल कर रहना पड़ेगा। मुझे लगता है ये जाल जानबूझकर लगाए गए हैं। रूट्स कैप्टन आसानी से आगे बढ़ते हुए। वाह, क्या बैलेंस है, क्या प्लेयर है। गोल करने के लिए तैयार। और ये गोल, फाइनल में सबसे पहले गोल रूट्स ने किया। रोलर के राइडर नंबर 13 ब्रांटो जॉमी मोल कुछ परेशान से लग रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो बॉल को अपने पास क्यों रख रहा है। उसे बॉल को पास करना चाहिए। वाह, टेजर लिंग ने तो उसकी छुट्टी कर दी। अब बॉल है थ्रेशर के पास। ओ थ्रेशर, तुमने अपना बॉल गिरा दिया दोस्त। ओ, उम्मीद है इसके दांत से ही सलामत होंगे। इलाई शेन ने उसे रोकने के लिए फ्रॉस्ट क्राउलर इस्तेमाल किया। ब्रूट्स हट गए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या वाकई ये जाल बद से बदतर होते जा रहे हैं? तुमने मेरी जान बचाई, पर तुम तो मेरा मतलब तुम तो। मैंने कहा ना, हम चीटिंग नहीं कर रहे। पर वो सोल्डरिंग का सामान हमें तुम्हारे लॉकर में मिला था। मुझे वो अरीना के नीचे मिला। मैं कंप्लेन करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने ले पर लिया। चीटर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? प्रीमो, तुम गेम छोड़कर कहां जा रहे हो? चीटर को पकड़ने। हे, वापस आ जाओ, हमें खेल खेलना है। प्रीमो रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे जाना है, देर हो रही है, बाद में मिलते हैं बच्चे। शायद अब हम बात कर सकते हैं। तुम मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकते बच्चे। इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ब्लैक ने तुम्हें इस गेम में फिक्सिंग करने के लिए क्या दिया प्रीमो? कितने पैसे दिए? पैसा? तुम एक जोकर हो बच्चे। नहीं, मैंने ये फ्री में किया, समझ गए बच्चों? मतलब तुमने ब्लैक की मदद की और वो भी फ्री में? पर क्यों? क्योंकि ब्लैक कंपनी बहुत कामयाब होती जा रही है। तुम्हें लगता है वो और कुछ नहीं करेगा? वो पूरे स्लग तेरा पर राज करेगा, शायद सभी पर। उस पर एहसान करना मतलब मेरे लिए अच्छा सौदा पाना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे। ये आदमी हमारे गेम का नाम खराब कर रहा है। थ्रेशर, मगर तुम खेल में क्यों नहीं हो? तुम छोड़ आए, एक प्लेयर ज्यादा होगा तो ना इंसाफी होगी। मैं उस तरह का प्लेयर नहीं हूँ जो बेईमानी से गेम जीते। ठीक है, स्कोर बराबर है, अब बस 30 सेकंड्स बचे हैं। ये आखिरी मौका है, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें ओवरटाइम में हरा पाएंगे। अब पहले हमें उनके पास से बॉल को वापस लाना है, जिसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। एक बार बॉल हमारे पास आ गया तो हमें गोल करना होगा। पर हमारे पास सिर्फ एक ही मैका बीस्ट बचा है। मुझे पता है, इसलिए तुम हमें खींच कर ले जाओगी। वैसे तो इलाय सबसे अच्छा भाषण देता है, पर आज मैं कुछ कहूंगा, हम ये कर सकते हैं। खेल के आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, स्कोर बराबरी पर। ब्रूट्स के पास अभी भी बॉल है। पता नहीं क्यों, लेकिन शेन गैंग खुद को मुसीबत में डाल रहा है। इलाय शेन ने इनफर्नस लक का इस्तेमाल किया। ब्रूट्स के प्लेयर को अटकाकर ट्रिक्सी और कॉर्ड ब्रूट्स के ऊपर से निकल रहे हैं। वो ये क्या था? मुझे बताया गया है कि ये एक स्लिक सिल्वर स्लग है जो एक बड़े से चुंबक जैसा बन जाता है। वैसे मारना पड़ेगा बॉब, अगर मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता जब मैं खेलता था तो शायद मुझे शर्म से रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ गया वो बॉल? कॉर्ड को बॉल मिल गया है और ब्रूट्स उसका पीछा करने निकल चुका है। सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं। उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिखाया। क्या तुम चमत्कार में यकीन करते हो? शॉक एंड रोलर्स ने स्लग बॉल चैंपियनशिप जीत ली है। कॉर्ड, तुमने कमाल कर दिया। ओह थैंक्स ट्रिक्सी, अब मैं क्या कहूँ। वैसे ये गेम जीता जा सकता है सिर्फ टीम वर्क से। मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था इलाई। तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का हक है इस पर। थैंक्स, पर ये जीत असल में है उनकी।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास हक है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। हेलो, क्या कोई है वहाँ? शांत हो जाओ मिस्टर प्रेस्टो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डॉक्टर ब्लैक, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारी मदद की, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम जीते, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। किस तरह की मदद? लोगों को ये सोचने पर मजबूर करके कि मुझे जीतने के लिए चीटिंग करनी पड़ती है? अब मेरे साथ क्या होगा? ओ, मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ ही लूंगा, तुम बस सब्र करो। डॉक्टर ब्लैक, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर ब्लैक।